असलकम डर स्टूडेंट्स दिस इज़ लेक्चर नंबर थर्टी फोर ऑफ़ द डाटा बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स दर्स कोड इज़ सी एस फोर थ्री मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं अभी तक कोर्स को समझ रहे हैं इसको इंजॉय कर रहे हैं और इसी तरह मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका और हमारा रबता मुस्तकिलयम है और जो भी आपको प्रॉब्लम रहे हैं इस कोर्स के दौरान आपने हमसे रबता किए रखा और हमने डेफिनेटली उसका जवाब दिया रखा हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये कोर्स आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और इसके अलावा जो इसके ख़ास तौर पर स्लाइड्स और हैंड आउट्स हैं यानी जो इसका कोर्स मटेरियल है वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान और मुफीद हो आज के लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं स्टोरेज कॉन्सेप्ट डेटा स्टोरेज कॉन्सेप्ट टॉपिक इज़ नॉट एज सच डायरेक्टली रिलेटेड टू द डाटा बट In a way, it is rated as well, because in this topic or in this segment of the course, we are going to discuss what are different types of memories and what are different types of file organizations. Well, most of the things that we are going to discuss today, they are managed either by the DBMS or by the operating system. The reason these topics are included in the course and you will find them in most of the database books is that if you as a database designer database developer if you have got concepts of or the understanding of these things then you are in a better position to manage your database because database is going to be stored ultimately on the disk it is going to be used it is going to use different types of memories so if you know the working of memories or the types of memories then you will be able to better maintain the efficiency of the database system so that is why they have been included in the database the other topic file organizations most of the time this concept is hidden from the uh, even the developer but again sometimes the uh, the dba or the designer it has got the option it has got the option to tune the dbms to guide the DBMS to select a particular file organization or it should know the pros and cons of different file organizations so that if uh, there is any chance of selecting particular file organization the DBA or the designer will be able to make a better decision so these are two con uh, that uh, the two concepts the two um, articles are uh, the uh, topics that we are going to discuss in today's lecture or not only today's lecture but uh, at least two more lectures following this lecture

तो प्रोसेसर जो है वो आजकल के दौर में जाहिर है कि बेतहाशा फ़ास्ट प्रोसेसर हमें अवेलेबल हैं इसका लेकिन जो प्रोसेसर का जो इंटरेक्शन होता है वो जाहिर है कि प्रोसेसर अकेला तो खुद काम नहीं कर सकता इट हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर डिवाइस देखें जैसे आ, डिस्क हैं जैसे कि प्रिंटर्स हैं वैसे मोनिटर्स हैं ये डिफरेंट चीज़ें हैं अब इन्हीं में जो जिन चीज़ों से आपका प्रोसेसर जो है वो इंटरेक्शन करता है उन्हीं में डिफरेंट टाइप की जो स्टोरेजेस हैं जिस टाइप तो के जो स्टोरेज मीडियम्स हैं वो शामिल हैं अब आपके जो प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस इस पर भी डिपेंड करती है कि जिस मेमोरी से जिस जगह से डाटा रीड किया जा रहा है क्योंकि देखिए जो आपका स्टोरेज मीडियम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो डाटा को स्टोर करता है और ज़ाहिर है कि वहाँ से आप उसको पढ़ते हैं तो प्रोसेसर का जो मेमरीज के साथ डिफरेंट टाइप की जो स्टोरेज हैं डिफरेंट टाइप की जो मेमरीज हैं उनसे उसका क्या वास्ता है उसका क्या इंट्रेक्शन है कि वो डाटा वहाँ पर स्टोर करता है और डाटा वहाँ से रीड करता है अब बात यह है कि अगर आपका प्रोसेसर बहुत फास्ट भी है इज अ वेरी फास्ट प्रोसेसर लेकिन जिस स्टोरेज मीडियम से वो रीड करता है या राइट करता है और देखिए डाटा बेस केस में तो आई ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होते हैं सी इफ़ इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशन या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ट कि उस केस में इतना ज़्यादा इनपुट आउटपुट इन्वॉल्व नहीं होता सेकेंडरी स्टोरेज से या आ, 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 आपकी मेमरी मेमरीज से उसमें आपके ज्यादातर कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं। तो हो सकता है उस केस में प्रोसेसर को बहुत ज्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ना करने पड़ते हो बट मेनली कैलकुलेशन आर इन्वॉल्व और वो प्रोसेसर खुद से कर रहा है और जो डाटा उसको उसके लिए चाहिए वो मेनली उसको अंदर ही अवेलेबल है प्रोसेसर के अंदर ही अवेलेबल है लेकिन डेटा बेस एप्लीकेशन ऐसी दैट वी कॉल द कमर्शियल और द बिजनेस एप्लीकेशन और इनका मेजर फीचर ये है कि दे इन्वॉल्व टू मच इनपुट आउटपुट एंड इनपुट आउटपुट ऑलवेज इज जनरली फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ओवरऑल आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो सिर्फ आपके प्रोसेसर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती और बहुत से फैक्टर्स हैं और जिस फैक्टर को दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द परफॉर्मेंस ऑफ मेमोरी कि मेमोरी से आप कितनी जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं रिस्पॉन्स कर सकते हैं प्रोसेसर को इज इंपॉर्टेंट इन देंस के अगर आप अगर आपको जो प्रोसेसर है उसको डेटा चाहिए रीड करना है लेकिन वो उसको स्लो मिल रहा है लेट मिल रहा है तोहरासर तो वेट, वेट करेगा तो जहरा के वो एक तो उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो आप वेस्ट कर रहे हैं और सेकेंडली यह है कि वो आपको रिस्पॉन्स इतना एफिशेंटली इतना क्विकली नहीं मिलेगा फिर इसमें एक और चीज यह है कि मेमरीज की डिफरेंट टाइप्स हैं और हर टाइप की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जहां पे जो बात महोरी स्पीड ऑफ एक्सेस की वो भी डिफरेंट है तो अब एक स्मार्ट डिसीशन स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम है वो उसमें एक ये फैक्टर भी है कि किस डाटा को आप कहां प्लेस करते हैं इससे क्या मुराद है इससे ये मुराद है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि डिफरेंट टाइप के जो आपके स्टोरेज मीडियम है उनकी डिफरेंट स्पीड्स होती हैं अब आप ये कर सकते हैं कि जो आपके आ, जो आपके स्टोरेज मीडिया मीडियम रिलेटिवली क्विक हैं जो जल्दी आपको एक्सेस देते हैं वो निस्पतान आपके पास अपने साइज में छोटे होते हैं लेकिन जिनकी स्पीड निष्पातन आहिस्ता है वो आप साइज़ में ज़्यादा होते हैं और इसमें ज़्यादा कि एक फैक्टर कॉस्ट का भी होता है तो अब स्मार्ट जो मैनेजमेंट है स्टोरेज की वो ये है कि जो आपको डाटा अभी चाहिए या फ्यूचर में चाहिए हो सकता है उसको ले, ले आए आप डिसिप्लन जो स्पीडी आपके स्टोरेज मीडियम है और अदरवाइज जो आपके पास डिसिप्लन स्लो मीडियम है उन पे आपके पास डेटाबेस बेस पड़ा हुआ क्योंकि वो आपका ह्यूज क्वांटिटी में ह्यूज वॉल्यूम में तो बात क्या हो रही है कि स्मार्ट मैनेजमेंट क्या है, है स्टोरेज की कि जो आपको डाटा आइंदा चाहिए हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी है उसको पहले से ही आप प्लेस कर लें उन मेमोरी टाइप्स में जो कि फास्ट हैं ताकि जिस वक्त उस प्रोसेसर को जरूरत पड़े उस डाटा की तो बजाय वो स्लो डिवाइसेस पे जाने के उसको फास्ट डिवाइसेस पे मिल जाए तो इस तरह से जो रिस्पॉन्स देगा आपको प्रोसेसर वो ओवरऑल तेज होगा तो स्पीड ऑफ एक्सेस एक करेक्ट्रिस्टिक है कह लें या एक क्राइटेरियन है कि जिसके बेस पे आप आ, आ, क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस की इसके अलावा यह है कि कॉस्ट कॉस्ट का एक फैक्टर भी है कि जो आप मेमोरी या जो स्टोरेज मीडिया स्टोरेज डिवाइस आप ऐड करते हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं उसकी कॉस्ट क्या है ज़ाहिर है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिलेटिव होती हैं कि अगर आप के पास बहुत फास्ट अगर आपके पास एक आपका स्टोरेज डिवाइस है तो उसको आप ज़ाहिर है कि इसको आप नस्बता कम आपको वो अवेलेबल होगा इसलिए कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी लेकिन जो नस्बता आपको चीपर मिलेगा वो आप उसको ज़्यादा वॉल्यूम में रख सकते हैं ज़्यादा मकदार में रख सकते क्वान्टिटी में रख सकते हैं लेकिन वो ज़ाहिर है कि स्लो होगा तो इस तरह से इनका एक बैलेंस ये भी होता है उसके बाद है कि रिलायबिलिटी रिलायबलिटी से हम यह है कि वंस यू प्लेस द डाटा ऑन द स्टोरेज डिवाइस तो वो ये हो कि उसके करप्ट होने के उसके लॉस होने के चांसेस कम हैं दिस इज़ कॉल्ड द रिलायबलिटी मिसाल के तौर पे एक जो स्टोरेज डिवाइस से पहले शुरू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और आजकल उसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है वो है आपके पास डिस्क जिसे आप कहना चाहिए बल्कि डिस्केट कहना चाहिए फ्लॉपी डिस्क तो उस वो शुरू में जब आप पीसीज इस्तेमाल होना शुरू हुए तो वो एक जाहिर है कि एक ऐसा डिवाइस था कि जिसको जब आपने डाटा कैरी करना होता था किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते थे फ्लॉपी डिस्क लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है इट हैज़ बीन प्रूव एज ए वेरी नॉन रिलायबल डिवाइस उसमें बताया ये था कि अक्सर ऐसा होता था कि आप किसी एक जगह से जब डिस्क डाटा स्टोर करते हैं किसी एक कंप्यूटर से आपको दूसरी जगह मूव करना होता है तो अक्सर ऐसा होता था कि वो जब दूसरी जगह आप डिस्क जा रहे थे तो चूँकि वो आप उसको मूव कर रहे होते थे, थे और वो थोड़ी एक्सपोज भी होती थी ओपन भी होती थी इसके बेस पर वो कई दफ़ा ख़राब हो जाती थी करप्ट हो जाती थी इसका मतलब यह था कि जो आपका फ्लॉपी डिस्क थी वो इतनी रिलायबल नहीं थी आज के दौर में डाटा को मूव करने के लिए हमारे पास और डिवाइसेस भी आ गए हैं जो कि ज़्यादा रिलायबल हैं इसलिए आप देखते होंगे आप महसूस करते होंगे या आपने ऑब्जर्व किया हुआ होगा कि अब फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम हो गया आइए आगे चलते हैं एक और क्राइटेरियन जिसकी बेस पे हम मेमोरी uh, को क्लासिफाई करते हैं उसकी कैटेगरीज बनाते हैं वो है कि वेदर द मेमरीज वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल वॉलोटाइल मींस के uh, जिस वक्त आप uh, कंप्यूटर आपका ऑन है और यू स्टोर समथिंग इन द वोलाटाइल मेमोरी तो इट नीड्स कंटिन्यूसली पावर और रिफ्रेशिंग और पावर अदर

इसमें भी जो नॉन वॉल्टाइन है उसमें ज़ाहिर है कि डिफरेंट टाइप्स हैं बाद केसेस में ऐसा है कि वक् एक दफ़ा अगर आपने स्टोर कर दिया तो वो मुस्तकिल वहाँ रहेगा वहाँ से आप इरेज नहीं कर सकते दोबारा उस पर कोई और चीज़ नहीं लिख सकते लेकिन बाज़ ऐसे भी मेमरीज हैं कि जिस जिसपे आपने एक दफ़ा अगर स्टोर कर दिया तो वो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं दोबारा लिख भी सकते हैं और ये मेरे ख्याल से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे आप पहले फेमिलियर होंगे आप इसको जस्ट रिविजन समझ लीजिए आइए आगे चलते हैं फिजिकल स्टोरेज मीडिया ये वो स्टोरी डिवाइसेस हैं कि जो आज के दौर में जनरली कंप्यूटर से में इस्तेमाल होते हैं और आप में से तकरीबन हर एक इनसे फेमिलियर होगा या इनको किसी ना किसी शक्ल में इस्तेमाल कर रहा है तो हम जस्ट ब्रीफली इनको ओवरव्यू करेंगे इसमें से पहला जो है वो है कैश मेमोरी कैश मेमोरी जो है वो नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है कंप्यूटर अंदर से बात यह है कि ये प्रोसेसर के साथ जो आपको माइक्रो प्रोसेसर अगर हम पी की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये इस्तेमाल होती है किस लिए टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोसेसर कैश का कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें आपने जो आपकी मेमरी है आपने उसको प्रोसेसर के बिल्कुल पास कर दिया या बिल्कुल उसके लिए अवेलेबल कर दी है इससे बता दिया इस है कि वो इवन जो आपकी प्राइमरी मेमरी है जो मेन मेमरी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये उससे भी फास्ट है ये इसकी जो एक तो प्लेसमेंट कह लें आप और दूसरा जो इसका मटेरियल है इसकी बेस पे जो एक्सेस है डाटा की कैश मेमोरी से वो बहुत फास्ट है आज के दौर में बल्कि ऐसा है कि हमारे पास कैश मेमोरी की भी दो टाइप्स आ गई हैं जिससे हम कहते हैं लेवल वन कैश और लेवल टू कैश और इसी तरह इनको प्राइमरी कैश और सेकेंडरी कैश भी कहते हैं और इवन जो आपकी प्राइमरी कैश है आप तो वो आजकल के प्रोसेसर में प्रोसेसर के ऊपर ही जैसा पार्ट ऑफ द प्रोसेसर है वो चिप का ही पार्ट होती है तो उसका आइडिया और ज़ाहिर है कि चूँकि प्रोसेसर का पार्ट है तो ये अपने जो इसकी आप कह लें वॉलीम के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती जैसे कि हमारे पास नॉर्मली मेमोरी जो है वो मेगा बाइट्स में या गिगा बैट्स में होती है उसकी ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती लेकिन चूँकि इस अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसर हम बात करें लेवल वन कैश की चूँकि पार्ट ऑफ द प्रोसेसर है तो अगर एक चीज़ आपके पास लेवल वन कैश में या प्राइमरी कैश में अवेलेबल है उसका आपको एडवांटेज ये होगा कि उसके लिए आपको इवन Uh, प्रोसेसर को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा किसी और डिवाइस तक नहीं जाना पड़ेगा दैट इज़ देयर विद इन द प्रोसेसर इट्स तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें जो चीज़ है वो आपको बहुत फास्ट मिल जाएगी लेकिन अगर आप इसी तरह देखें जो लेवल टू कैश है बास प्रोसेसर में ऐसा है कि शायद लेवल टू कैश भी जो है वो प्रोसेसर का पार्ट है लेकिन जनरली ऐसा है कि जो लेवल टू कैश है इस नॉट लाइक प्राइमरी मेमोरी लेकिन ये भी एक वेरी फास्ट मेमोरी जो कि नेक्स्ट टू आप कह सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट टू प्राइमरी कैश है या लेवल वन कैश है तो आजकल के जो प्रोसेसर हैं उनमें नॉर्मली जो है आपको आपको जो मिलती हैं वो लेवल वन कैश और लेवल टू कैश दोनों मिलती हैं और कैश मेमोरी इन जनरल ये आप ये समझ लें कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसर और इसके लिए आप जो ये क्विकस्ट आप कह सकते हैं कि मेमोरी है जो कि प्रोसेसर को अवेलेबल है और जो चीज़ कैश में मौजूद है जो चीज़ कैश में स्टोर्ड है उसके लिए प्रोसेसर को आ, मतलब है कि वो क्विकली इसको अवेलेबल होगी सबसे ज़्यादा तेज़ या सबसे ज़्यादा जल्दी से जो चीज़ अवेलेबल होगी वो वो होगी जो कि कैश स्टोरेज में पड़ी हुई है इसके अलावा जो दूसरी टाइप की मेमोरी हमारे पास है वो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या इसको हम इन जनरल रैम भी कह सकते हैं ये वो मेमोरी है कि जिसमें जनरली चीज़ें जो हैं वाकई स्टोर होती हैं यानी ऐसा होगा कि जब आप कोई भी चीज़ रीड करते हैं डिस्क से या कोई जो आपका परमानेंट स्टोरेज मीडिया है वहाँ से आपको चीज़ रीड करते हैं तो सबसे पहले वो आपके पास प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में या आपसे कह लें कि जो आपकी रैम है उसमें आएगी और वहां से फिर चीज़ें जो हैं वो मूव होंगी प्रोसेसर की तरफ अब आपकी लेयर्स क्या बन जाती हैं इससे आपका वो क्या बन जाता है कि आपके पास चीजें जो है वो किसी जो आपके पास परमानेंट स्टोरेज है क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जो आपकी कैश मेमोरी है और जो मेन मेमोरी है ये दोनों वोलाटाइल हैं वोलाटाइल से मुराद ये है कि अगर इसमें चीज़ें जो आप स्टोर करते हैं वो तब तक वहां पे हैं जब तक पावर कंप्यूटर में है जब कंप्यूटर ऑफ हो गया थिंग आर गॉन तो आपके जो परमानेंट स्टोरेज मीडिया है वहां पर आपके पास चीजें स्टोर हैं जब आपको वहां से चाहिए तो सबसे पहले परमानेंट स्टोरेज मीडिया से उठ के आएंगी रैम में या मेन मेमरी में और यहां से उठ के आप वो चीजें मूव करेंगी कि कैश में और वहां से एक्सेसबल होंगी प्रोसेसर को और कैश का आइडिया ये भी है कि यहाँ पे यानी के जो डिस्क मैनेजमेंट है या स्टोरेज मैनेजमेंट है इसके डिफरेंट रूटीन्स हैं इसके डिफरेंट एलग्रदम्स हैं और वो इस पर गैस करते हैं कि क्या चांसेस हैं कि जो इसके बाद डाटा या इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर में ज़रूरत पड़ सकती हैं उनको वो रैम से कैश मूव कर देते हैं दोबारा देखिए डिस्क से चीज़ें आ गई रैम में रैम से आपके प्रोसेसर में चली गई जो आपकी डिस्क मैनेजमेंट है इसमें ऐसे एल्गोरिदम हैं जो ये गैस करते हैं कि इसके बाद आपके प्रोसेसर को कौन सी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए और कौन सा डाटा चाहिए हो सकता है तो उसको वो मूव कर देते हैं कैश के अंदर अब जिस वक्त आपके प्रोसेसर को चाहिए नेक्स्ट डाटा या इंस्ट्रक्शंस तो बजाय आपके पास वो प्राइमरी मेमरी में जाए विच इज़ रेलिटिवली स्लोअर एज कंपेयर टू कैश के तो उसको कैश में ही मिल जाएगा और इफ़ द प्रोसेसर फाइंड समथिंग इन द लेवल वन कैश प्राइमरी कैश में उसको और मिल जाती है तो फिर है कि वो तो दैट इज़ द क्विकस्ट तो इस तरीके से आपकी जो जो डिस्क मैनेजमेंट है जो ये रूटीन है आपका कि आपने कैसे चीज़ों को मूव करना है इधर से उधर तो वो अगर आप उसको स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं तो उससे ये होता है कि आपके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है तो जो प्राइमरी मेमोरी है ज़ाहिर है कि वो आपको पता चल गया कि वो एक वोलेटाइल मेमोरी है और चीज़ें सबसे पहले जो आप चाहे डिस्क से जो आपका परमानेंट स्टोरेज है वहाँ पे चाहे चीज़ें आपने भेजनी है यानी वहाँ स्टोर करनी है या वहाँ से रीड करनी है दोनों केसेस में पहले वो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है जो मेन मेमोरी है उसमें आती हैं इसके बाद एक और टाइप की जो मेमोरी आजकल स्टोरेज मीडियम जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रिसेंटली वो ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका हुआ है और जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि डाटा मूव करने के लिए क्योंकि देखिए जो आपकी आपकी जो नॉर्मली जो बड़ी स्टोरेज मीडिया मीडियम है देखा जैसे आपके पास डिस्क हैं वो फिक्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर तो आपको डेफिनेटली डाटा मूव करने के लिए आपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा को लेके जाना है तो वो उसके लिए आपको कुछ चीज़ चाहिए तो पहले शुरू के दिनों में ये इस्तेमाल होते थे आ, आपके पास फ्लॉपी डिस्क अब आज कल एक और टाइप की मेमरीज हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी वो इस्तेमाल होती है तो फ्लैश मेमोरी जो है वो इस बहुत स्मार्ट सी छोटी सी इतनी सी आपके पास एक चीज़ होती है छोटी सी जिसको आप आराम से पॉकेट में क्या बल्कि आप 10 शायद फ्लैश मेमोरीज भी अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं तो इतनी छोटे सी साइज़ की होती है और इसमें आपको गीगा बाइट्स में इवन जो है वो आपको वो मिलती है उसकी कैपेसिटी और जैसे पहले आपके पास जो डिस्क हैं उनमें जैसे डिस्क होती हैं इसमें डिस्क नहीं होती इसमें कोई सर्किटरी है जिसके ऊपर की डाटा आपका स्टोर होता है और वो वहाँ पर और इस तरह से जब आप उसको अलग करते हैं कंप्यूटर से तो उसमें डाटा आपका जो है वो वैनिश नहीं होता लॉस नहीं तो बल्कि वहाँ स्टोर रहता है तो इसका आपको एडवांटेज ये है कि इट इज़ मच मच मोर रिलायबल एंड मच मच फास्टर एज़ कम्पेयर टू द फ्लॉपी डिस्क जो कि हमारे पास पहले ऑप्शन थी डा, डाटा मूव करने के लिए तो नॉर्मली ऐसा होता है कि इसमें आजकल के कंप्यूटर्स में यू एस बी पोर्ट्स जो हमारे पारे पारे आ, है हमारे पास वो अवेलेबल होती हैं तकरीबन तमाम कंप्यूटर्स में तो आप जो आपकी फ्लैश मेमोरी है नॉर्मली ये अटैच होती है यू एस बी पोर्ट के साथ वहाँ पर अटैच करते हैं कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर उसके बाद आपने जो डाटा मूव करना है इसके अंदर तो वो मूव करेंगे और वहाँ से उसको फिर आप अलग कर लेंगे और जहाँ पर हमने उसको ले जाना ले जाएंगे तो ये आ, आ, मतलब तो हमने तीन टाइप की मेमरीज पढ़ी हैं कुछ और टाइप की मेमरीज भी हैं आइए हम देखते हैं वो कौन सी हैं मैग्नेटिक डिस्क इसमें नॉर्मली आपका जो डाटा है वो डिस्क से ऊपर आप समझ लें कि प्लेट टाइप चीज़ें होती हैं प्लेट आ, टाइप एक चीज़ कह लें उसके ऊपर स्टोर होता है तो पहले तो ये है कि जो शुरू में जो डिस्क थी वो उनकी परफॉर्मेंस या कह लें इतनी स्मार्ट नहीं थी लेकिन आज के दौर में जो डिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ यानी कि आप कह सकते हैं स्पीड वाइज जो एक्सेसर की बहुत ज़्यादा है और वो जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है इसमें नॉर्मली आपके जो जो डिस्क हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स की अपने कह सकते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क या फिस्क फिक्सड डिस्क और ये ऐसी होती है कि जो कि आपके पूरा एक आप कह लें पैकेज होता है जो कि सील्ड होता है और आप में से अक्सर लोगों ने देखा हुआ होगा तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर ये फिक्स हो जाती हैं इसको नॉर्मली आप इतनी फ्रिक्वेंटली लेके मूव नहीं करते क्योंकि दिस इज इन साइड द सी पी यू जो बॉक्स है इसका इसके अंदर होगी फिर होगा ये कि जिस वक्त आप वहाँ पे डिस्क फिक्स है आप उसके बाद ये जो आपके एक डाटा केबल के जरिए आपके उससे अटैचड है आपके जो कंप्यूटर कह लें या उसका जो मदरबोर्ड है और यहाँ से डाटा आपका ट्रांसफर होता है प्रोसेसर से डिस्क पे या बल्कि कह लें कि डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में, में और यहाँ से अगर प्रोसेसर में रिक्वायर्ड है तो वहाँ जा सकता है और ये वो स्टोरेज मीडियम है कि जो ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और ऑब्वियसली दिस इज़ नॉन वॉलेटाइल और ज़ाहिर है के चीपर भी होगा तो इस लिहाज से वो आप इसको ह्यूज वॉल्यूम में आपके पास जो है ना वो ये डिस्क अवेलेबल होती हैं और इनको आप परमानेंट स्टोरेज के लिए आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इसमें एक चीज़ देखिए कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें डिस्क का तो नॉर्मली इसके अंदर एक हार्ड डिस्क के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्लेट्स होती हैं तो उनकी आ, बास के में एक सरफेस पे या दोनों सर्वेज़ के ऊपर जैसे एक प्लेट है फर्ज किस तरीके से तो बाद के में सिर्फ एक सर्फेस पे और बाद के में दोनों सर्विसज पे डाटा स्टोर होता है अब उसमें यह है कि वो इसमें ज़ाहिर है कि अगर जितनी भी उसकी साइड्स पे अगर फर्ज करें कि मल्टीपल अगर आपके पास प्लेट्स हैं तो उनके ऊपर जितनी भी आपकी उसके साइड्स पे डाटा स्टोर हो रहा है उतने ही हेड्स होंगे हेड वो डिवाइस है कि जो कि प्रैक्टिकली उसके ऊपर राइट करेगा या उससे रीड करेगा वो जो आपकी हार्ड डिस्क का जितनी प्लेट्स हैं उसमें ऐसे ऐसी असेंबली फिट होगी फिक्स होगी कि जो कि उससे डाटा को उस पर राइट करेगी या रीड करेगी तो जितनी साइड्स पे डाटा रीड राइट -right हो रहा है उतने उसमें हेड्स होंगे और फिर उसमें जो आपके पास डिस्क है उसमें नॉर्मली जो इस पे सर्कुलर पाथ्स होते हैं इस तरीके से तो जिनमें के आपके जो आपके पास यानी डाटा है उन सर्कुलर पाथ के ऊपर स्टोर होता है तो उनको आप कहते हैं ट्रैक्स इसी तरह ये ट्रैक्स जो हैं ऐसे सर्कुलर ये राउंड में होंगे और कि ये वर्टिकली यानी इस तरह से डिवाइडेड होते हैं और उनको हम कहते हैं सेक्टर्स तो नॉर्मली जो आपका मिनिमम आप कह सकते हैं डिस्क के ऊपर जो स्टोरेज कह सकते हैं यूनिट है वो सेक्टर है तो लेकिन एक दफ़ा में जो डाटा डिस्क आपके रीड होगा या राइट होगा वो सेक्टर नहीं होता बल्कि दैट इज़ मल्टीपल ऑफ सेक्टर्स जो कि एक ही दफ़ा आपका जो डिस्क है उस पर लिखेगी या वहाँ से राइट करेगी तो इसके बारे में यानी कि जो इसकी फर्दर फंक्शनिंग है इसका आर्किटेक्चर है इसमें आप जितनी भी डेटा की बुक्स हैं आपको उसमें मिल जाएगा और जो इसके जो हमारे आपके इस लेक्चर के जो हैंड आउट्स हैं उसमें भी हम इसकी डिटेल शामिल कर देंगे ताकि वो आप उसको समा से देख सकें जो फर्दर डिटेल के लिए इसके अलावा जो बहुत पॉपुलर एक और मीडियम आजकल है वो सी और डी हैं ये भी आपकी जो है बहुत हाई वॉल्यूम में डाटा इस पर स्टोर हो सकता है और इसमें जो क्वालिटी है ख़ासतौर तौर पर जो इसमें जो साउंड की और इमेज आप कहते हैं वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होती है और नॉर्मली ये जो ना इस बैकअप्स के लिए डाटा मूव करने के लिए इस ये इस्तेमाल होती हैं इसके अलावा एक और टाइप की स्टोरेज है वो है टेप स्टोरेज टेप स्टोरेज भी आजकल जनरली इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती लेकिन स्टिल ये बैकअप्स के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है क्योंकि जो आपका टेप स्टोरेज है ये एक सीक्वेंशल डिवाइस है से सिक्वेंस यह है कि जिसमें आप जब डाटा स्टोर करते हैं तो आपको एक खास सीक्वेंस में वहाँ पर डाटा स्टोर करना पड़ता है और वहाँ से रीड करना पड़ता है तो ये मुख्तफ टाइप की स्टोरी डिवाइसेस थी जिस जो कि जनली हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें डाटा स्टोर करने के लिए और ज़्यादा वहाँ से डाटा रीड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं आइए आगे, आगे चलते हैं ये आपको एक नजर आ रही मेमरी हर की इस पर इसमें अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि स्पीड वाइज आप कह लें कि ये आपको अरेंजमेंट बताएगी कि फ़ास्टेस्ट मेमोरी जो कि प्रोसेस जहाँ से डाटा स्टोर हो सकता है और रीड हो सकता है वो है कैश मेमोरी उसके बाद मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जिसे कहते हैं या रैम कहते हैं वो है उसके बाद फ्लैश मेमोरी फिर मैग्नेटिक डिस्क उसके बाद फिर ऑप्टिकल डिस्क और आखिर में मैग्नेटिक टेप्स तो ये इनका एक हर और स्पीड वाइज बेसिकली ये आपको इस तरह से मिलती है डियर स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट जो कि रिसेंटली इतना ज़्यादा पुराना नहीं है वो जो कि इन हुआ है और जो कि इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स में काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पर जहाँ पर डाटा जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो और जहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो उसको वो एफिशिएंसी क्रिटिकल हो कि लोग एफिशिएंट प्रोसेसिंग चाहते हो और उसके लिए डिफरेंट मींस इस्तेमाल करते हो तो उसमें एक जो आजकल जो ऑप्शन है जो जो टेक्नोलॉजी कह लें वो रेड है रेड का मतलब है कि रिडेंडेंट अरे ऑफ इन एक्सपेंसिव डिस्क इसका आइडिया यह है कि आप मल्टीपल डिस्क को मल्टीपल मतलब डिस्क से बता दें कि आप उससे कहने फिक्स डिस्क या हार्ड डिस्क मल्टीपल डिस्क को आप इस तरीके से अरेंज करें कि वो आपको एक डिस्क का कॉन्सेप्ट देगी ठीक है और उसमें यह है कि आप जब डाटा चूँकि मल्टीपल डिस्क हैं और वह आपको कॉन्सेप्ट दे रही है एक डिस्क का तो उसको आपको एडवांटेज यह है कि आप मल्टीपल डिस्क पे आप एक ही दफा रीड और राइट कर सकते हैं जब ऐसा कर सकते हैं उसका आपको एडवांटेज क्या है एडवांटेज यह है कि आप जो आपका रीड और राइट ऑपरेशन है वो बहुत तेज हो सकता है ना सिर्फ तेज हो सकता है बल्कि आप उसको इन पैरेलल कर सकते हैं यानी कि बजाय इसके कि जिस टाइम में आपने एक डिस्क पे लिखना है अगर आपके पास स्लट से चार या पांच डिस्क का एक पूरा पैक है रेड की शक्ल में तो उसमें आप जब आप चारों या पाँचों पे इन पैरल लिख सकते हैं इससे यह है कि वो आपका जो जो एफिशिएंसी है जो आपकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ये है कि हमने इसे यह क्यों कहा कि रिटर रे ऑफ इन डिस्क उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली आज जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है जैसे टेक्नोलॉजी वक्त के साथ बेहतर हो रही है तो वह चीपर भी होती जा रही है यानी मुझे याद है कि जिस वक्त मैं एम एस सी करा था काज यूनिवर्सिटी से नाइनटीन एटी एट में नाइनटीन एटी सेवन में उस वक्त वहाँ पर uh, जो है वो एक मेन uh, फ्रेम था आई बी एम का मेन फ्रेम और बहुत मशहूर था आई बी एम थ्री सिक्सटी और उसकी जो जो प्राइमरी मेमोरी थी वो हार्डली केज में थी यानी किलो में थी और किलो बाइट्स के अंदर ही उसकी जो है ना वो यानी इवन uh, जो उसकी जो डिस्क अवेलेबल थी वो भी शायद किलो बाइट्स के अंदर थी तो आज जो कॉन्सेप्ट है कि आपको गीगा में हार्ड डिस्क मिल रही हैं और जो आपके पास मेगा में आपको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरीज मिल रही हैं वो यही वजह है कि आप टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जो आपकी डिस्क हैं या जो स्टोरेज मीडियम है वो बहुत सस्ते हो गए जब सस्ते हो गए तो उसके साथ अब ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ कि क्यों ना हम ये करें कि हम एक अरे ऑफ डिस्क इस्तेमाल करें यानी मल्टीपल डिस्क को हम इस्तेमाल करें एक, एक, एक सेम कंप्यूटर के अंदर और एक उसका जो उसकी आप मैनेजमेंट उसकी हैंडलिंग इस तरह से करें थ्रू सॉफ्टवेयर या जो भी आ, आ, के जो उससे होगा के जो ये होगा कि जो आपको ये इमेज मिलेगा कि जैसे वो एक ही डिस्क है तो ये तो बेसिक आइडिया है रेड का एडवांटेज क्या है उसका कि आपके पास जो है बहुत फास्ट एक्सेस हो जाएगी क्योंकि आप मल्टीपल या इनपैरल जो है उस पर राइट कर सकते हैं और इसमें अलबा एक उसका नुकसान ये भी हो सकता है बाज़ केसेस में कि इसमें जो फेलियर के चांसेस हैं वो नस्पतान ज़्यादा हैं क्यों वो इसलिए फ़र्ज़ करें कि अगर हम ये सपोज करें कि आ, दस लाख दफ़ा अगर आप एक डिस्क से रीड करें या राइट करें तो उसके बाद वो एक दफ़ा जो फ़ेल हो सकती है तो अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि चार डिस्क हैं एक हमारे पास रेड में चार हमारे पास डिस्क शामिल हैं तो अगर हम यही चीज़ ये यही प्रोपोर्शन इन चारों को अप्लाई करें तो इन चारों के इसमें चारों जमा हो जाएंगी तो हमारे पास ये होगा कि ओवरऑल चूंकि हमारे पास रेट जब हमें सिंगल डिस्क का एक कॉन्सेप्ट दे रही है ना तो उसमें क्या होगा कि दस लाख में से हमारे पास वो चांसेस चार दफ़ा हो जाएंगे तो ये तो उसका एक नेगेटिव साइड है लेकिन उसको कवर करने के आप देखेंगे हमारे पास मुख्त तरीके हैं लेकिन अदरवाइज आपको एडवांटेज ये है कि आप बहुत फास्ट जो है वो रीड और राइट कर सकते हैं क्योंकि आप इन पैरल जो है वो उस पर रीड और राइट कर सकते हैं अब रेड है कि रेड की जो अरेंजमेंट है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं हर टाइप की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं तो इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं बाई डिफरेंट रेड लेवल्स जो रेड लेवल्स हैं वो लेवल जीरो से लेकर वन टू थ्री फोर फाइव तक जाते हैं और बाद जगहों पर सिक्स मैं भी है। लेकिन जर्नली लेवल जीरो से लेकर लेवल फाइव तक आपके पास जो है रेड लेवल्स आते हैं तो अब इनमें से हर ज़ाहिर के ये है क्या लेवल्स क्या हैं दे आर डिफरेंट फीचर्स कह लें डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द रेट तो हर लेवल की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब आपने कौन सा इस्तेमाल करना है दिस इज नाउ योर ओन चॉइस आप देखें कि ठीक है अगर मैं ये रेट लेता हूं तो इसके ये मुझे फ़ीचर्स मिलेंगे ये इसके प्लस पॉइंट लेकिन साथ ही उसका ये एक नेगेटिव साइड भी है तो फिर आपने ये खुद डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा सूट करता है तो इस वक्त हम जो इससे आगे हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो रेट के डिफरेंट लेवल्स डिस्कस करने जा रहे हैं आइए आगे, आगे चलते हैं जैसे यहाँ पे डिफाइंड है कि मैनी डिस्क दैट लुक एज अ सिंगल डिस्क टू ऑपरेटिंग सिस्टम बट हैव बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर रिलाइबिलिटी रेट द प्रॉपर्टी दैट द डाटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टू अलाउ पैरल ऑपरेशन जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप रीड और राइट इन पैरल कर सकते हैं अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि रेट के डिफरेंट लेवल्स हैं यहाँ सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है रेट ज़ीरो अब रेड में एक जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो है स्ट्राइप का स्ट्राइप से हम यह है कि आप ये करें कि, कि आपके पास जो भी आपके पास एक यूनिट है स्टोरेज का फर्स् करें हम कहेंगे पेज है हमारे पास कि एक दफा रीड और राइट करते हुए हम एक जो पेज है वो डिस्क पे लिखते हैं तो स्ट्राइप से मराद यह है कि अगर आप पहला पेज डिस्क फर्ज करें हमारे पास चार डिस्क है हम कहते हैं डिस्क वन टू थ्री और फोर तो पहला पेज डिस्क वन का पहला पेज डिस्क टू का पहला पेज डिस्क थ्री का और पहला पेज डिस्क फोर का ये चारों पेज मिलके बन जाएंगे एक स्ट्राइप तो जब आपने लिखना होगा या पढ़ना होगा तो जब पूरी स्ट्राइप रीड या राइट करेंगे तो क्या उसका मतलब होगा कि आप चार डिस्क से इकट्ठा उस पर लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि हर डिस्क जो है उसका अपना जो है वो हैड है अपनी उसकी असेंबली रीड और राइट करने के लिए तो एक कमांड देंगे तो अगर आप एक स्ट्राइप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप बजाय इसके कि जितने टाइम में आप एक डिस्क से रीड कर सकते थे उस टाइम में आप चार डिस्क में पढ़ क्योंकि जाहिर है कि हर डिस्क उतना ही टाइम लेगी पढ़ने में ठीक है तो जितने टाइम में आप एक डिस्क से पढ़ते थे अगर आपका सिंगल डिस्क होती अब रेड के केस में जब आप एक स्ट्राइप पढ़ रहे हैं तो स्ट्राइप से क्या होगा कि आप एक ही वक्त में गोया कि आप चार पेजेस को इकट्ठा पढ़ रहे हैं या चार पेजेस को इकट्ठा लिख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्राइप का जो कि रेड में इस्तेमाल होता है सिंपल इसमें uh, है 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 है, उसके बाद कि कि के के वो depend करता है कि एक page size क्या है, एक क्या अंदर कितने हमारे पास सेक्टर्स uh, हैं, तो वही आपका बन जाएगा उस परीरोक्टिव स्ट्राइप ओवर द इन इनउंड रॉबन फैशन यानी इसका मतलब यह है कि आपके पास जब आप बात करेंगे जब आप कहेंगे कि अपने रेड जीरो में लिखना है तो क्या होगा अगर हमारे पास फर्क के चार डिस्क हैं तो पहले पहली स्ट्राइप पे लिखेगा तो वो क्या होगा कि आपके तमाम डिस्क के पहले पेज पे लिखा गया फिर दूसरी स्ट्राइप पे फिर तीसरी पे एंड लाइक दैट तो इस तरीके से आप जो ना स्टेप बाय स्टेप इसमें आप लिखते चले जाते हैं इसका मतलब कि आप पैरल उस पर रीड कर सकते हैं और पैरल वहां से आप राइट कर सकते हैं इस वक्त आपको सामने जो डायग्राम पर नज़र आ रही है वो एक अरेंजमेंट है रेड जीरो की इसमें आप देख रहे हैं कि वी हैव गॉट फोर डिस्क और जो इसमें जो आपके पास जो आप कह लेंगे जो पेजेस को नंबर दिए गए हैं वो वन टू थ्री फोर इस तरीके से आप कह लें कि फर्स्ट पेज है आप कह लें कि डिस्क वन का टू बेसिकली फर्स्ट पेज है डिस्क टू का लेकिन वो यहाँ पे जो वर्चुअल वाला ड्राइव बनती है रेट जो कि मैंने आपसे कहा रेट जो है वो सिंगल ड्राइव को कॉन्सेप्ट देती है तो इसका सेकेंड पेज बन जाता है एंड लाइक दैट तो इस तरीके से और यह है कि चूँकि आपका जो खासतौर तौर तो पर जो रेट ज़ीरो है इसमें आप देखेंगे वो इस तरह कंजेक्टिव जो है, है वो यहाँ पे डेटा स्टोर होता है यानी जो पहले आप चीज स्टोर हो रही है फर्स्ट पेज में स्टोर हो रही है डिस्क वन के उससे नेक्स्ट जो है वो डिस्क टू में फिर थ्री में फोर लाइक दैट इस तरह चीजें आपकी कंजेक्टिव जो है वो ऑर्डर में स्टोर हो रही हैं जो है इसमें आपको एडवांटेज ये है सबसे ज्यादा रेड जीरो में जो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि यू आर यूजिंग द मैक्सिमम ऑफ योर डिस्क स्टोरेज देखिए जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है कि तमाम के तमाम जो आपके है ना जो डिस्क स्टोरेज है वो इस्तेमाल हो रही है स्टोरेज के लिए कंजेक्टिवली तो इसका मतलब है कि आप अपने डिस्क को अपने फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपके पास अवेलेबल डिस्क थी उसका आपने सारे का सारा फॉर द स्टोरेज इस्तेमाल कर लिया लेकिन ज़ाहिर है जो इसके नेगेटिव साइड्स हैं वो यहीं से क्लियर हो जाते हैं क्या कि है कि इसमें अगर आपके पास कोई एक भी डिस्क आपकी फेल हो जाती है तो उससे आपको जो पूरा आपका रेट है वो आपका मुता होता है वो क्यों वो क्योंकि आपका जो डाटा स्टोर है वो कंटिन में कन्जेक्टिवली स्टोर है तौर फर्ज करें कि हमारे पास एक फाइल है वो आ, हमारे पास ना डेट से पेजेस में है वन टू थ्री और फोर में अब अगर उसमें से कोई एक डिस्क भी खराब हो जाती है वन टू थ्री या फोर कोई भी खराब हो जाती है तो इसका मतलब आपकी वो फाइल जो है वो हो वो खराब हो गई वो नॉट अवेलेबल होगी क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आप रेट जीरो में तमाम को कंजेक्टिवली स्टोर कर रहे हैं डाटा को लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा इसका प्लस पॉइंट यह है कि आप यू आर मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ़ योर अवेलेबल डिस्क क्योंकि इसमें आपने सारी की सारी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर ली है कंट्रोलर विल ब्रेक एनी डिस्क कमांड इन टू के कमांड्स के से मरादा के जितनी भी आपके पास डिस्क हैं एंड विल रीड एंड राइट इन पैरल ज़ाहिर है किसे आपकी वो स्पीड स्पीड भी बढ़ गई डियर स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो रेट जीरो है उसका एडवांटेज ये है कि आपको वो बहुत स्पीड देता है क्योंकि यू आर राइटिंग इन पैरल और आपको मैक्सिमम स्टोरेज देता है बिकॉज यू आर कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैम इन कंजेक्टिव पेजेस लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि उसमें फेलियर के चांसेस और उसके केस में जो डैमेज होगा वो बहुत बढ़ जाता है इस चीज़ को जो कवर किया गया है इस ड्रॉबैक को वो कवर किया गया है हमारे पास रेड वन के अंदर रेड वन का आइडिया ये है कि जिस वक्त आप पे करते ये हैं कि वो हर डिस्क को डुप्लीकेट करेगा यानी फर्से अगर आपके पास चार डिस्क हैं तो वो ये करेगा कि वो डिस्क वन का का भी डुप्लीकेट करेगा और डिस्क टू का भी डुप्लीकेट करेगा उसका एडवांटेज क्या है एडवांटेज आपको ये है कि आपका जो डाटा है वो उस समझ लें उसका साथ ही उसका बैकअप भी मेंटेन हो गया और उसमें होगा ये कि अगर आपका एक यानी कोई डिस्क फेल भी हो जाती है तो हमें ये पता है कि उसका जो बैकअप हमारे पास वो मौजूद है तो वो हमें अवेलेबल होगा तो इसका मतलब है कि इस केस में जो आपकी रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है ठीक है लेकिन जाहिर है कि इसका जो डाउन साइड है जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपकी जो स्टोरेज है वो एग्जैक्टली हाफ हो गई है तो अब अगेन मैंने आपसे कहा था कि दिस इज योर ओन डिसीजन आपको देखना कि किस इन्वायरमेंट में आपको क्या सूट करता है इफ़ फॉर यू यू कैन सम हाउ टॉलरेट या देर इज नॉट सो मच डैमेज इफ समथिंग गेट्स लॉस्ट या आप ये कहते हैं कि चूंकि उसके चांसेस कम हैं क्योंकि ज़रा डिस्क आपकी रिलायबल तो हैं आप कहते हैं ठीक है मैं ये रिस्क ले लेता हूँ अगर मेरी कोई रिस्क फेल भी हो गई तो मैं या तो उसको बैकअप लिया हुआ होगा या मैं वो उसको कुछ और मैनेज कर लूँगा उस केस में लेकिन मुझे फिलहाल जो है वो ज़्यादा स्पीड चाहिए एंड आई वॉन्ट टू यूज़ मैक्म ऑफ माई स्टोरेज उस केस में यू कैन गो फॉर द रेड नॉट लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं वो डाटा आपका बहुत क्रिटिकल है और आप इसका जो जो इसका लॉस ऑफ बर्दाश्त नहीं कर सकते या वो दैट विल बी वेली डैमेजिंग उस केस में आप यू कैन गो फॉर द रेड वन और इसमें जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें फॉल्ट टॉलरेंस है क्योंकि जैसे कहा कि आपके पास डुप्लीकेट हो रहा है इफ़ ए ड्राइव क्रैशेस, द कॉपी फ्रॉम द डुप्लीकेट डिस्क इज सिंपली यूज इन फाइन अब ये आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जैसे ये दो दी हुई है, हैं, कि आपने डिस्क एक डिस्क है और साथ ही उसको आपके साथ ही उसकी कॉपी नजर आ रही है तो वो जैसे भी बात हुई है और इसमें यह है कि अगर आप बहुत सेंसिटिव एरियाज में जहाँ पे आप यू वांट टू बी वेरी केयरफुल तो आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा के जहन रखिएगा कि वो आप को जो जिसकी नेगेटिव साइड वो यही है कि यू आर वेस्टिंग योर स्टोरेज एज वेल अब रेट टू और रेट थ्री में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है उससे हम कह लें कि पैरिटी बिट कह लें या उसको भी ये कह लें एरर करेक्शन कोड अब रेट टू और रेट थ्री में दोनों में ये बात यह है कि उनमें आप अपना जो एरर करेक्शन कोड है वो स्टोर कर रहे हैं रेट टू में ये होता है कि जो आपका एरर करैक्शन कोड या ए सी सी के हैं या उसको पैरिटी बिट हैं रेट टू के अंदर आप उसको दो जगह पे स्टोर कर रहे हैं मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास चार डिस्क हैं तो पहले जो आपके पास था यानी जो आपके पास रेट वन था उसमें यह था कि रेड जो आपके पास डिस्क वन है उसको आप डुप्लीकेट करें फर्ज करें डिस्क थ्री के ऊपर यानी सेम डाटा आप दो जगह पर लिख रहे हैं इसी तरह जो डिस्क टू पर आप लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं डिस्क फोर के ऊपर लेकिन जो आपके पास रेट टू है या रेट थ्री है उसमें यू आर नॉट डुप्लीकेटिंग द एंटायर डाटा बल्कि एक कॉन्सेप्ट है एरर क्रक्शन कोड का ये पैरिटी बिट कह की बात है उसको आप साथ स्टोर कर रहे हैं तो हो ये रहा कि रेट टू के अंदर कि एक डिस्क के लिए आप एक पैरिटी डिस्क फिक्स कर लेते हैं यानी फर्ज कर हमारे पास चार डिस्क हैं तो एक डिस्क पर डाटा स्टोर होगा और दूसरी पे उसकी पैरिटी बिट्स पैरिटी डाटा स्टोर होगा इसी तरह अगर जो तीसरी हमारी डिस्क है उस पर अगर डाटा स्टोर होगा तो उसकी तरह एक और डिस्क के ऊपर उसका जो एरर करेक्शन कोड है ई के हैं वो स्टोर होगा और जो रेट थ्री है उसमें यह है कि आप जायज के कि आप हर एक पे यानी हर डिस्क का अलग से आप ई सी स्टोर करें आप फर्ज करेंगे हमारे पास अगर चार डिस्क हैं तो उनमें से अगर फर्ज करें हमारे पास चार डिस्क हैं तो उनमें से एक काम कर दें यानी तीन डिस्क पर डाटा स्टोर होगा और एक पे इन तीनों का ECC या एरर करेक्शन कोड वो स्टोर होगा अब सवाल ये पैदा होता है कि वट डू वी मीन बाई दी सी और द पैरेटिट इसका बेसिकली आइडिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू फिक्स वेदर यू आर गोइंग टू पैरिटी पैरेटिबिट एज इवन और ऑड यानी आप ये कहते हैं फर्ज करें कि हमारे पास एक पूरी एक हमारे पास एक बाइट है फर्ज करें अब एक बाइट है, है अगर आप बिट बाय बिट देखें तो हमें ये, ये देखना कि हर जो हमारे पास जहाँ पे हम डाटा स्टोर कर रहे हैं फर्स्ट हम अगर रेट थ्री की बात करते हैं तो हम रेट थ्री की अगर बात करें इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो तमाम डिस्क की पहली बिट है किसी एक स्ट्राइप की या किसी एक बाइट की जो पहली बिट है हर बिट के अंदर आप ये सपोज करें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वनज़ हैं वो या इवन होंगे या ऑड होंगे या पहले से तय करेंगे यानी पैरिटी इवन है या ऑड है फ़र्ज़ करें आप कहते हैं हमारी पैरिटी इवन है इससे मुराद ये होगा कि हर पोजिशन पर यानी अगर आप आग बिट वाइज देखें यानी हमारे पास अगर एक बाइट में आठ बिट्स हैं तो हर बिट पे यानी हर ये हर बाइट की जो पहली पोजीशन है हर बाइट की जो पहली बिट है उसमें भी उसमें भी इवन बिट्स चाहिए इसी तरह दूसरी बिट में भी इवन बिट्स यानी ओवर अक्रॉस द स्ट्राइप यानी आप ये देखें कि फर्स्ट बिट ऑफ फर्स्ट बाइट ऑफ डिस्क वन फिर फर्स्ट बिट ऑफ फर्स्ट बाइट ऑफ डिस्क टू फिर फर्स्ट बिट ऑफ फर्स्ट बाइट ऑफ डिस्क थ्री इन तीनों में जो डाटा स्टोर है जो भी डाटा स्टोर है उनमें जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन होने चाहिए अब जब आपने डाटा स्टोर किया तो अगर तो वो इवन है तो जो आपका ई है जो पैरिटी बिट है वहाँ पर हो जाएगा जीरो स्टोर और फर्ज करें कि अगर आपके वहाँ पर जो आपके पास वंस हैं वो उनकी तादाद ऑड है चाहे वो एक है चाहे वो तीन है उस केस में जो आपकी पैरिटी जो बिट है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो ईसी बैठा उसकी करस्पॉन्डिंग वो हो जाएगी वन अब इसका आपको एडवांटेज ये होता है कि अगर आपका फर्ज करें कि किसी एक जगह पे आपकी कोई एक डिस्क जो है सिंगल डिस्क आपकी वो क्रैश हो जाती है या उसमें कोई एरर आ जाता है तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं जो आपके पास डिस्क बच गई हैं उनके डाटा का और जो आपके पास ई है जो पैरिटी आपके पास डाटा है उसका अगर आप एक्सक्लूसिव और ले लें तो आपके पास जो लॉस्ट डाटा है उसको आप रिकवर कर सकते हैं ये आई होप कि आपको ये जो डायग्राम बनी हुई है सबको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई अगर एक डिस्क क्रैश हो जाए तो इसी सी से हम उसको रिकवर कर सकते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो आप जो प्रीवियस जो हमारे पास थे स्टाइल उसमें यह था कि आप बजाय इसके जैसे रेट थ्री है इसमें आप देखेंगे बजाय कि आप दो डिस्क को डाटा डुप्लीकेट करने के दो डिस्क को इसी के लिए रिजर्व करने के लिए आपने एक डिस्क को जब ई के लिए रिजर्व कर लिया तो आपने एक तरफ तो यू हैव यूटिलाइजिंग मोस्ट ऑफ योर डिस्क स्टोरेज एक तरफ दूसरी तरफ यह है कि आपने एक लिहाज से जो उसको फॉल्ट ऑलरेंस है वो भी बना लिया कि अगर आपके पास कोई एक डिस्क खराब हो जाती है तो उसका डाटा आप रिकवर कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस टेक्निक लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे इसमें एक प्रॉब्लम ये बता डेफिनेटली है कि अगर किसी एक डिस्क में प्रॉब्लम आएगा तो वो आप रिकवर कर सकते हैं अगर साइमल्टेनियसली आपके दो डिस्क में प्रॉब्लम आ जाता है उसको आप फिर ईसीसी सी की मदद से रिकवर नहीं कर सकते फिर ज़ाहरा उस केस में जैसे आप ख़ुद भी गैस कर सकते हैं कि जो आपकी रेट टू है जिसमें हर डिस्क का अलग से ई है वो फिर ज़्यादा ज़ाहरा उस केस में रिलायबल होगा कि आपके पास हर डिस्क अपना ए है उससे आप उसको रिकवर कर सकते हैं तो ये तो था रेट टू और रेट थ्री का और कैसे ईसीसी जो है वो उसमें मल्टीपल है रेट टू में और रेट थ्री में सिंगल है और किस तरीके से हम जो रिकवर करते हैं डाटा इफ इट इज़ लॉस्ड यूजिंग द ईसीसी रेड फोर इज अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्राइप और इसमें यह है कि इसमें भी वही है कि इसमें भी जो पैरिटी है जो आपकी इसी सी uh, है वो एक डिस्क पे स्टोर होती है रेड थ्री में और रेड फोर में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि रेड थ्री जो है वो उस तरह के इन्वामेंट में ज़्यादा सूटेबल कंसिडर की जाती है कि जहाँ पे आपका एक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा हो बड़े से मुराद यह है कि वो एक डिस्क के एक पेज पे फिट नहीं बैठता इट स्पेन्स अपॉन मल्टीपल पेजेस ऑफ मल्टीपल पेजे उससे होगा कि आप उसको मल्टीपल uh, स्पेन करेंगे इसी एग्जाम्पल जैसे हमारे पास जैसे ऑडियो या जो वीडियो uh, फाइल्स होती है उनमें आपका जो वो डाटा वो जरा कि उस रिकॉर्ड उसका वो वो एक पेज पर फिट नहीं बैठता तो वो इट स्पैन मल्टीपल पेजेस तो रेट थ्री जो है वो उस एनवायरमेंट में इस्तेमाल होती है कि जहाँ पे आपके पास जो रिकॉर्ड साइज है स्पेंस अक्रॉस मल्टीपल पेजेस जबकि रेट फोर वही चीज़ है रेट फोर जो जो कैरेक्टरिस्टिक है रेड थ्री की कि उसमें आपके पास सिंगल ए है और आप बाकी तमाम डिस्क को डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रेट फोर में भी वही है कि ए आपका एक ही है लेकिन वो नस्बतान जो स्मॉल साइज uh, आपके रिकॉर्ड्स हैं जो डाटा साइज़ है उसके लिए इस्तेमाल होता है मिसाल के तौर पे उसमें यह है कि आप जैसे आप, नॉर्मल आपके पास फाइल है उसमें आपके पास एक पेज पे मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर हो सकते हैं तो इसलिए आप रेट फोर को ऐसी इन्वायरमेंट इस्तेमाल करते हैं अदरवाइज रेट थ्री और रेट फोर जो वो सेम है अब अगर आप देखें कि जो आपके पास रेट फोर है उसमें प्रॉब्लम आपके पास यह है कि आपके पास जो ईसीसी है वो एक ही है एक ही यानी कि डिस्क पे आपका जो एरर करेक्शन कोड है सबके साथ एक ही डिस्क पे स्टोर है जब एक ही डिस्क पे स्टोर है उससे आपको हो ही रहा है कि जब आपको किसी भी डिस्क पे लिखना है क्योंकि आपने उस डिस्क पे लिखना साथ ही आपने जो उसका ए है उसको भी अपडेट करना होगा जाहिर है जो अब इस इस राइट के साथ जो भी पैरिटी की सिचुएशन होगी आप उसके मुताबिक ई को अपडेट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जब आप किसी भी डिस्क पर लिखना चाहेंगे साथ ही आपको लिखना पड़ेगा ए सी वाली डिस्क के ऊपर तो इस तरह का डिसएडवांटेज वो ये है कि जो आपकी ए है इट बिकम्स ओवरलोडेड यानी तमाम डिस्क जब किसी भी आप लिखना चाहेंगे तो वो एसी सी के ऊपर यानी वो जाएगी तो इस तरह से आपका काम जो स्लो भी हो सकता है या वो ओवरलोडेड भी हो सकती है इसके अलावा जाहिर ये बात भी है कि अगर ईसी सी आपका डैमेज होता है तो वो वाली डिस्क अगर डैमेज होती है वो बाकी तमाम को भी इफेक्ट कर सकती है तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल है रेड फाइव का उसका कॉन्सेप्ट है कि आप ईसी को बजाय फिक्स रखने के कि वो किसी एक ही डिस्क के ऊपर है आप उसको मूव करते हैं अक्रॉस मल्टीपल डिस्क यानी एक डिस्क का एसीसी जो है वो किसी दूसरी डिस्क के ऊपर है दूसरी का किसी और मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि डिस्क वन का जो एसीसी है वो डिस्क थ्री पे स्टोर है और डिस्क टू का जो एसीसी है लेट से वो डिस्क फोर पे है ऐसे डिस्क फोर का जो ए है वो डिस्क वन पे है इसका आपको एडवांटेज ये है कि आप फर्ज करें आप पैरल राइट कर सकते हैं यानी आप जब डिस्क वन पर लिख रहे हैं तो उसका ए सी सी लिख रहे हैं तो वो डिस्क थ्री पे है तो दोनों आप पैरेलल लिख सकते हैं ऐसे अगर फर्ज करें डिस्क फोर पर डिस्क टू पे लिख रहे हैं और उसका ए सी डिस्क फोर पे है तो आप इस तरह से पैरेलल लिख सकते हैं तो और इसमें फिर यह है कि आपका जो सेम डिस्क है जिस पे के रेड फोर केस में ए आपका सेम डिस्क पे आ रहा था वो ओवर बर्डन या ओवर लोड नहीं होती बल्कि वो जो लोड है आपका वो अक्रॉस ऑल डिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये हमारे पास डिफरेंट रेड के लेवल्स थे एंड आई टू एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा सूट करता है आपको तमाम रेट्स का पता है उनकी कैरेक्ट्रिस्टिस्ट का पता है आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं उनके मुताबिक आप अपना जो रेट लेवल है वह पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फाइल ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स हाउ डू वी स्टोर और अरेंज द डाटा फिजिकली ऑन द डेस्क सी वेन वी स्टडीड द रिलेशन डाटा मॉडल And we studied about the relations and uh, uh, about the conceptual schema and the uh, external schema and the physical schema. That was all the, especially this conceptual or the external, they were logical things. I mean, it is not necessary. The data is practically stored there uh, as such. The physical data store hota hai, that is uh, that is mentioned or controlled by the file organizations. File organizations, I like told you is the data store. और उसको किस तरह से रिटीव किया जाता है डिफरेंट तरह की फाइल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं और ज़ाहिर हर एक अपने रिलेटिव मेरिट्स uh, और डी मेरिट्स हैं या उनकी करेक्ट्रिस्टिक्स हैं और इसी तरह जब आपको जो डिफरेंट uh, आपके पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन कि के मैथड्स हैं दे प्रोवाइड यू डिफरेंट एक्सेस मैथड्स किस तरीके से आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं तो इस टॉपिक के अंदर नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गनाइजेशन जैसे लिखा हुआ है द माइनर डाटा रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड ऑन फिजिकल डिवाइसेस

स्टोर होता है वो प्राइमरी केस के प्राइमरी की के बेस पे होता है ये जो प्राइमरी की की वैल्यू है उसकी बेस के ऊपर आप जो रिकॉर्ड्स की तरतीब है आप ये कह लें लाइक अगर जिस जिसमें आपके पास प्राइमरी की की वैल्यू वन है या सबसे पहली है वो पहले स्टोर होगा फिर नेक्स्ट वैल्यू वाला फिर नेक्स्ट वाला ये इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है कि आप ये कहें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक दो तीन चार दस तक रिकॉर्ड्स की वैल्यू है प्राइमरी की ग्यारहवीं की, नहीं है लेकिन पंद्रहवीं है तो आप उस वक्त तक, तक पंद्रहवीं स्टोरी नहीं करेंगे जब तक कि वो ग्यारहवीं बारहवीं नहीं जाती ऐसा नहीं है इतना स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन जनरली ऐसा होता है कि इसमें प्राइमरी की के बेस पे करते हैं अगर कभी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए उससे इफेक्ट पड़ते हैं लेकिन यह है कि वो आप उसको रिकवर भी किया जा सकता है दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंस फील्ड इज ऑफन द की फील्ड एंड आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग सीक्वेंशल एक्सेस जब आपको सीक्वेंशल इनके एक के बाद दूसरी एक्सेस करनी हो

और जब आप उनको एक्सेस करना चाहेंगे बाद में पढ़ना चाहेंगे तो आपको वो उसी तरतीबे में मिलेंगे मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें अगर आपने रिकॉर्ड नंबर थर्टी फाइव को एक्सेस करना है तो आप पहले रिकॉर्ड नंबर वन पढ़ेंगे फिर टू पढ़ेंगे फिर अगर वो सीक्वेंस में स्टोर है, तो इस तरह से सबको बारी बारी पढ़ते हुए आप पहुँचेंगे रिकॉर्ड नंबर थर्टी फाइव तक तो ज़ाहरा कि इस केस में इसका एक जो यानी कि ड्रॉबैक वो तो यही है कि आपको जो एक्सेस करनी पड़ेगी एक्सेस मिलेगी वो एक तरतीब में ही मिलेगी आप उसको डायरेक्टली किसी रिकॉर्ड तक जाना चाहें तो वो ये आपकी जो सिक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है ये सपोर्ट नहीं करती लेकिन इसका एडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि ये कोई आपकी एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो कंज्यूम नहीं करती जितना हम डाटा स्टोर करना है सिर्फ वही डाटा स्टोर होगा तो जबकि अगर हम बाकी जगहों पर देखें तो जो हमारे पास एक और फाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग भी और एक्स्ट्रा डाटा स्टोरेज भी इन्वॉल्व हो जाती है dear students in today's lecture we studied about the storage organization the storage devices and finally we were discussing different file organizations in the storage devices we studied different types of memories and then we also discussed the raid raid is basically a arrangement of uh, different disks uh, that gives the impression of a single disk और ये आजकल के जो कंप्यूटर्स में आजकल के सिस्टम में बहुत कॉमन एक चीज़ है और फाइनली हम पढ़ रहे थे डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन और फाइल ऑर्गेनाइजेशन बरा दिए है कि हाउ डू वी स्टोर द डाटा ऑन द डेस्क एंड हाउ तो टू डू वी रिट्रीव दैम तो ये आ, हमारा टॉपिक है जो कि हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे आज हमने एक टाइप की फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की एंड दैट वॉज सीकुनशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन अपने अगले लेक्चर में हम इन शह जो दूसरी हमारे पास फाइल ऑर्गनाइजेशन है उनको डिस्कस करेंगे अब आपसे जाना चाहूँगा अल्लाह हाफिज़